हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग तंत्रिका तंत्र पढ़े होंगे। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में आप लोगों को CNS बताया गया होगा, PNS बताया गया होगा और ANS बताया गया होगा। तो ये CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ANS होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज आप लोगों के सामने ये बताएंगे कि ANS में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसे स्वायत्त यानी स्वतः नियंत्रित करता है, क्या करता है? स्वतः नियंत्रित करता है। तो स्वतः नियंत्रण में आप देखते हैं कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है। आप देखते हैं जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये ANS होता है। क्या होता है? ये ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्या होते हैं? अनुकंपी और परानुकंपी होते हैं। क्या होते हैं? अनुकंपी और परानुकंपी होते हैं। तो जो अनुकंपी क्या करता है और परानुकंपी क्या करता है, आज इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसे आप देखेंगे, अनुकंपी जो होता है ये हमारे हार्ट बीट को क्या करता है? बढ़ाता है। लेकिन परानुकंपी क्या करता है? ये कम करता है। उसी तरीके से धमनी और सिरा को संकीर्ण करता है यानी सिकोड़ता है। ये हमारे धमनी और सिराओं को क्या करता है? अनुकंपी, सिकोड़ता है। और परानुकंपी क्या करता है? फैलाता है। आंख की जो पुतली होती है, अनुकंपी क्या करती है? फैलाती है। और परानुकंपी क्या करती है? सिकोड़ती है। क्या करती है? सिकोड़ती है। पाचन क्रिया मंद करता है। कौन मंद करता है? अनुकंपी क्या करता है? मंद करता है। जबकि पाचन क्रिया क्या करता है? परानुकंपी उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है। ये अनुकंपी जो होती है हमारे लार के स्राव को कम करता है। क्या करता है? कम करता है। लेकिन परानुकंपी जो होती है ये लार के स्राव को क्या करता है? बढ़ाता है। थैंक यू।